अर्थप्रकाश टीवी की इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हर शाम आपके साथ रूबरू होते हैं देश की, आसपास की, चंडीगढ़ की, ट्राई सिटी की खबरों के साथ। हम आपसे मिलते हैं, आपसे खबरें साझा करते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक बार फिर से कोरोना के साथ। क्या है कि कोरोना, हालांकि अब इस वक्त स्थिति काफ़ी अच्छी है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का जो काम है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हाल ही में 1 बिलियन डोजेज़ यानी 100 करोड़ डोजेज़ लगाने का जो लक्ष्य था वो हमने प्राप्त किया, लेकिन अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। ख़ास तौर पर देश में अभी भी 48 जिले ऐसे हैं जहां पर जो वैक्सीनेशन की जो पहली डोज़ है वो अभी 50% तक भी नहीं पहुंची है। वहाँ पर अभी भी 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अभी पहली डोज लगनी है। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। और इसमें से ज़्यादातर जो ज़िले हैं वो नॉर्थ ईस्ट में हैं, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्यों में हैं। 48 में से 27 ज़िले इन राज्यों में हैं। इसके अलावा झारखंड में 9 ज़िले ऐसे हैं। झारखंड ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं जहाँ पर अभी भी 50% तक लोगों को पहली डोज जो है वैक्सीनेशन की नहीं हासिल हुई है। तो इस मामले में अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना ज़रूरी है। हालांकि कुछ स्थानों पर काफ़ी तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन हुई है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो पहली डोज़ लगभग सभी को लग चुकी है, दूसरी डोज़ भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को लग चुकी है। तो इस पे आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग हुई, ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मीटिंग को लिया। सभी राज्यों के स्वास्थ्यकर्मी और बड़े अधिकारी और सब लोग इसमें मौजूद रहे और वहाँ पर अपनी चिंता को बहुत ही स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जो लैगर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो पीछे रह गए ज़िले हैं, उनको इस मामले में तेज़ी लानी होगी और वैक्सीनेशन की जो गति है उसको बढ़ाना होगा। इसको लिए उन्होंने जो ख़ास सलाह दी है वो उन्होंने ये कहा है कि अब हमें डोर टू डोर वैक्सीनेशन करनी होगी। जो वैक्सीनेशन हेसिटेंसी जिसको हम बोलते हैं, लोग वैक्सीनेशन से डर की वजह से या किसी भ्रम की वजह से या किसी दुष्प्रचार की वजह से टीका नहीं लगवा रहे हैं, उन तक लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, डोर टू डोर जाने की ज़रूरत है, घर घर जाने की ज़रूरत है और इस स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उस इलाके के धार्मिक नेताओं की और सामाजिक नेताओं की मदद भी इसके लिए ली जानी ज़रूरी है, उनकी मदद ली जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ वैक्सीनेशन से ही हम कोरोना को डिफीट कर सकते हैं, कोरोना को पराजित कर सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी अहम खबर थी, हमने आपके साथ साझा की। इसके अलावा हम अब आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में 2-3 खबरें हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम एक अच्छी खबर ये देना चाहेंगे कि दिवाली के ऊपर एक तोहफा मुख्यमंत्री चन्नी ने दिया है और ये तोहफा जो है वो हमारे घरों का निर्माण करने वाले जो श्रमिक हैं, जो मिस्त्री हैं, जो मज़दूर हैं, जो लेबर क्लास है, इसके लिए इन्होंने 3100 रुपये की शगुन देने की दिवाली के ऊपर घोषणा की है। 3,17,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड जो हैं वो लेबरर्स हैं, जो मिस्त्री हैं और जो मज़दूर हैं, जिनको इस शगुन योजना का लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे ये भाई, हमारे ये श्रमिक जो हमारे इस देश के निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे घरों का निर्माण करते हैं, वो भी एक अच्छी दिवाली मना पाएंगे। हालांकि महंगाई का ज़माना है, 3100 रुपये को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि कम से कम इन 3,17,000 परिवारों के चेहरे पर ये जो योजना है वो निश्चित तौर पर मुस्कान लेकर आएगी। और अब एक पॉलिटिकल खबर, प्रशांत किशोर के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, जाने माने वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं और बहुत उनकी प्रतिष्ठा है इस मसले को लेकर। कई बड़े बड़े चुनाव वो लड़वा चुके हैं राजनीतिक पार्टियों को, और उनको जो भी उनके क्लाइंट्स रहते हैं उनको जीत भी हासिल होती है। मसला ये है कि क्या वो पंजाब में कांग्रेस की मदद करेंगे या नहीं करेंगे, ये इसको लेकर असमंजस वाली स्थिति जो है वो बनी रहती है। लेकिन
आज जो हमें खबरें मिल रही हैं, हालांकि ये कोई पुष्ट सूत्रों से खबरें नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर पंजाब में पंजाब इलेक्शंस में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ख़ास तौर पर जो स्थानीय नेतृत्व है, ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रशांत किशोर के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनकी बात को सुनें और उनके निर्देशों के अनुसार जो है वो आगे बढ़ें। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इन चुनावों में एक बार फिर से प्रशांत किशोर सक्रिय नज़र आएंगे और वो दिखेंगे कि वो कांग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पंजाब की तरफ से खबरें। और उसके बाद एक और पंजाब की तरफ से खबर है, कल लखा सिधाना के नाम से भी आप वाकिफ़ होंगे। लखा सिधाना को कभी कहा जाता है कि वो गैंगस्टर थे, लेकिन अब वो सोशल एक्टिविस्ट हो गए हैं। कल उन्होंने बाकायदा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस में बाहरी लोगों को भर्ती किया जा रहा है। उनका कहना था कि पिछले कुछ सालों के अंदर 300 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक की जो भर्तियां हुई हैं, उनमें 300 लोग ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, इन राज्यों से लोगों को, बिहार से भी यहाँ तक हैं, जिनको कि पंजाब पुलिस में भर्ती किया गया है। तो उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंजाब के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और पंजाब के ऊपर दूसरे राज्यों के लोग जो हैं वो हावी हो रहे हैं, और एक तरह से जिस तरह से बीएसएफ की जो रिस्ट्रिक्शन बढ़ाई गई है उसके साथ भी इसको उन्होंने जोड़ा है कि किसी न किसी तरह से पंजाब को पूरी तरह से घेरने की कोशिश हो रही है केंद्र की तरफ से और जो बाहरी ताकतें हैं उनकी तरफ से। तो इस पर अब जो पंजाब के गृह मंत्री हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका बयान भी आया है और उन्होंने कहा है कि ये मामला सीरियस है, वो इसकी जाँच करवाएँगे। उन्होंने पंजाब के जो डीजीपी हैं इकबालप्रीत सिंह सहोता, उनको बकायदा निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले की तह तक जाएं और एक सप्ताह के अंदर अंदर उनको ये रिपोर्ट दें। तो एक ये भी अच्छी खबर है। और अब अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में इस समय आप जानते हैं कि दिवाली की गहमा गहमी है, बाज़ार भरे हुए हैं, चारों तरफ जाम लगे हुए हैं, लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि महंगाई बहुत है, लेकिन उसके बावजूद हर कोई अपने तरीके से इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में जुटा हुआ है और हर किसी की कोशिश है कि इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन एक मसला इस बार और भी पैदा हो रहा है और वो है, अक्सर हम बात करते हैं कि हमें दिए जलाने चाहिए और अपने गरीब भाइयों की सहायता इससे करनी चाहिए, चाइनीज़ जो लाइट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए या दूसरी लाइट्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हालात ये है कि इस बार गरीब आदमी के लिए दिए जलाना भी मुश्किल हो गया है। क्या है कि सरसों के तेल की कीमत आसमान छू रही है। पिछली दिवाली की अगर बात करें तो जो सरसों का तेल 80, 90 या 100 रुपये तक मिल रहा था, वो इस समय 250 से लेकर 250 और 300 रुपए तक भी चला गया है। ऐसे में दिए जलाना भी जो है वो बहुत मुश्किल काम हो गया है और इसका असर भी नज़र आ रहा है। हमने काफ़ी लोगों के साथ बातचीत की और सबका यही कहना था कि उन्होंने दिए जलाने में कटौती की है। जहां पिछली बार अगर लोग 2-2 लीटर के आसपास सरसों का तेल खरीद रहे थे तो इस बार वो शायद 0.5 लीटर ही खरीद रहे हैं। जहां पिछली बार लोग 50 दिए तक जलाना चाहते थे, इस बार शायद 20 दिए ही जला रहे हैं। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं जो हमारे भाई हैं जो अपने हाथों से अपनी कारीगरी के साथ जो दिए बनाते हैं, उनको इसका नुकसान होने वाला है। नमस्कार सर, आपका नाम? सर, जैसे कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं और दिवाली पे तेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? कोई भी आइटम है, सब गवर्नमेंट को पता है कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, जनता को परेशान करने का काम है। और इनको जो उनसे मरी सरकार आ गई, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, इन्होंने जनता को मारना है। जब राज राजा करेगा ना, बिजनेस करेगा, तो प्रजा भूखी मरेगी मरेगी, चाहे कोई भी आ जाए। सर, तेल के दाम 2 गुने हो गए हैं, डबल हो गए। तो जैसे कि ये त्यौहार, इसमें दियों का इस्तेमाल किया जाए? अब तो मैम जो 100% यूज़ करता था वो 25% यूज़ करता था, उसका भी त्यौहार जो है ना वो फीका ही है। सर, आपको लगता है ये जो इसके चलते जो रेडी फेडी वाले लोग हैं उनके भी मतलब जो काम काज था उनको उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है?
पहले रेडियां बहुत लगती थी दिवाली के टाइम पर, त्योहारों के टाइम पर, अब दीवार है ही नहीं, बाजार ही नहीं है। और सर कोरोना के बाद पहली बार दिवाली मनाई जा रही है, कोरोना में पिछले साल दिवाली इतनी धूमधाम से नहीं मनाई गई, फिर उसके बाद पहले से जो मार झेल रहे थे, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा झेल रहे थे कंज्यूमर, उसके बाद ये महंगाई का भी एक सर पर बोझ आ गया, तो उसकी वजह से दिवाली पर कितना इफेक्ट पड़ा? 50% इफेक्ट है, मतलब दिवाली की खुशी आधी हो गई है। तो सर प्रशासन से आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? कोई प्रशासन ने क्या करना है मैडम, वो सब भेड़ बकरी एक बराबर है प्रशासन में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे सरकार हो, तो ये सब एक ही चीज़ है, इनका कोई होल्ड नहीं हमारा जनता के लिए। नहीं महंगाई तो है ही है, किसी बात नहीं, जैसे गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, गवर्नमेंट देखते हैं कस्टमर के परेशान हो रहा है, कि परेशानी का इलाज का खर्चा है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। सर जैसे कि पिछले अगस्त में हर साल हम दिए जलाते हैं, उनमें तेल डालना पड़ता है 1 से 2 लीटर, आपने इस बार आप भी ने भी खरीद की होगी, तो कुछ फ़र्क आया है कि पहले आप 2 लीटर कम, कम तो फर्क कम तो हुआ ही है। कितना कम हुआ है सर, कि पहले आप कितना करते थे आप कितना कर रहे हैं? सर जैसे कि क्या है कि इस वजह से चाइनीज़ माल की भी बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है, क्योंकि जो इंडियन है जैसे सरसों का तेल, उनकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो महंगाई के चलते चाइनीज़ माल अपना लिया, जैसे लाइट्स वगैरह दियो की जगह? दियो जो पुरानी रही चलती आ रही है वो तो हम पूरी करेंगे, नेचुरल महंगाई कस्टमर जो है वो आपके पॉकेट देखता पड़े उस हिसाब से करेगा। मतलब अगर आप पहले 100 जला रहे थे, इस बार 50 जलाएंगे, तो प्रशासन से आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में महंगाई के ऊपर? प्रशासन को करने का बेनिफिट तो होता नहीं है, नहीं मतलब फिर गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट है उनको सब मालूम है, वो इसलिए कोई लगती है जो अपने अडानी पावर हो, दूजे है कटिंग है, हमारे पास में। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की कुछ खबरें, इसी तरह से कुछ और खबरों के साथ, कुछ और मुद्दों के साथ हम आपको रोज़ाना मिला करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अर्थप्रकाश टीवी देखा करेंगे, अगर आप नहीं देखते हैं तो आप अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।